प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां देश को स्वस्थ रखने के लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के गरीबों को और उनके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए एक नई पहल की है। वहीं उनके विभागीय कर्मचारियों के द्वारा केंद्र सरकार की इस योजना को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक ओर तो लाभार्थी लोगों की लिस्ट में समृद्ध परिवार के लोगों के नाम शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनको इस योजना का वास्तविक लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, जिनके नाम तक लाभार्थी योजना में शामिल हैं, बावजूद उनके कार्ड तक नहीं बन पा रहे हैं और लाभार्थी सरकारी दफ्तरों के और नगर पंचायत नगर निगम के चक्कर काट काट कर बेहाल हो रहे हैं। आखिर इस समस्या का जिम्मेदार कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर इस योजना को चलाने वाला सिस्टम जो अपात्र लोगों को इसका लाभ देता है और पात्र लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जी सर, मेरे पास में ये राशन कार्ड भी है और आधार कार्ड भी है और मेरा इसमें ये प्रधानमंत्री की जो सहायता जो मिल रही है उसमें मेरा लिस्ट में नाम भी है, पर मुझको इसकी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि मुझको इसकी सहायता मिलनी चाहिए। मैं गरीबी रेखा से नीचे व्यापन करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। क्या नाम है आपका? राम सैन। कहाँ के रहने वाले हो? गोवर्धन। इसमें लिस्ट में नाम है आपका आयुष्मान योजना की में? है साहब। तो आपको कार्ड मिला या नहीं मिला? नहीं मिला साहब। क्या कह रहे हैं ये कार्ड देने वाले अधिकारी? राशन कार्ड लाओ। तो राशन कार्ड नहीं है आपके पास में? राशन कार्ड पीला वाला है साहब, अब नया है। नहीं, नया लाओ। तो नया कार्ड आपका बना नहीं है अभी? नहीं बना था। आपके जो वार्ड मेंबर है उन्होंने बना के क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, हम कल किए और आज क्यों कह रहे हैं। हमको 25 वर्ष हो गए बोलते बोलते बोलते, 5 एप्लीकेशन हम मंगल दास में रह चुके हैं, 3 दफे राजीव भवन रह चुके हैं, बावजूद उसके आपको अभी तक राशन कार्ड तक नहीं मिला है। और आपका यहाँ पे ये कार्ड भी बना के नहीं दे रहे हैं? ना दे रहे, बगैर राशन कार्ड के ना। क्यों, लिस्ट में तो आपका नाम है, इनको देना चाहिए। मैं यूँ कह रहे हैं साहब, नेट पे तक बनवा के लाओ। अच्छा, तब देंगे। हाँ, तो आपने इसकी शिकायत की कहीं? जी हमने कही नहीं की साहब, अभी ढूंढने मंगल दवस में दही 5 दफे, 3 दफे राजीव भवन में दही, 2 दफे तहसील में दही, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही ना। जी हमने कह दी की जाओ इंस्पेक्टर थे कि इनका 3 नाम परमिट बन जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बना के दिया। ना दिया, यूँ कह दी की पूरे क्या भाई फार्म में लेके आओ, फार्म में कानून है, मथा दियो कि यहाँ दियो, इन चेयरमैन साहब ने मेंबर साहब ने इनको फार्म लेके आओ, भगो यहाँ से। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में राशन कार्ड है और उनका लिस्ट में नाम भी है, उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे उनको लाभ मिल सकेगा इस? उनके लिए भी कई प्रकार की दिक्कतें हैं। कभी कभी होता है कि जैसे हम आधार नंबर से उनका KYC करते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो उनके फिंगर से नहीं आते, ये भी परेशानी है। इस केस में उनको अपना आधार अपडेट कराने की जरूरत है अगर उनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। दूसरी बात, राशन कार्ड है उसमें हो सकता है कि परिवार के लाभार्थी सदस्य का नाम हो लेकिन राशन कार्ड में नाम नहीं हो, ठीक, तो परेशानी है, उनको अपने राशन कार्ड में यूनिट उसका बढ़वाना पड़ेगा, तब उनका हो पाएगा। अगर प्रधानमंत्री पत्र जिनके पास है उनके लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, वो अपना आधार। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में प्रधानमंत्री पत्र पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो ये आप किसकी जिम्मेदारी समझते हैं, आपके हिसाब से किसका फॉल्ट है? ये जिनको दी गई थी, ये सरकारी अस्पताल में आए थे लेटर जी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करवाए गए हैं, तो हो सकता है ऊपर से भी नहीं आए, इतना तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि डिस्ट्रीब्यूट करने वालों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए या उनको प्राप्त नहीं हुए, ये तो मैं नहीं कह सकता, ना मुझे पता ना मेरा इसमें कोई तकनीकी फॉल्ट भी हो सकता है, कुछ तकनीकी फॉल्ट भी हो सकता है, हो सकता है उनका प्रिंट नहीं हुआ हो, नहीं आया हो। कुछ हमारे पास PVC कार्ड आए हैं। अब फिलहाल ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो परेशान घूम रहे हैं, उनके लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कोई विकल्प तैयार करेगा? इसके लिए सर हम ऑपरेटर हैं, इसके लिए हम नहीं कह सकते कुछ भी कि जो जिनका नाम सूची में ही नहीं आया है अभी तक। नहीं, जिनका नाम सूची में है और जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए क्या व्यवस्था आपका डिपार्टमेंट करेगा? लाभ किस तरह का लाभ? की कार्ड नहीं बन पाया है। हाँ, कार्ड नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो वो आए एक बार, हमें बताएं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, क्या परेशानी है, हम फिर उसको बता सकते हैं।
कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, प्रधानमंत्री लेटर नहीं है, आधार से केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आप क्या ऐसे लोगों से कुछ प्रार्थना पत्र वगैरह कुछ ले रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ले रहे। वो हमारे पास आ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आए, हम उनका सिस्टम में डाल के देखते हैं क्या परेशानी है, फिर हम उसको उसी तरह से उसको गाइड कर देंगे। ठीक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।